अस्सलाम वालेकुम, क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2.3। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल रोटेशन। जो रेडिकल एक्सप्रेशन है ना आपकी, रेडिकल मतलब स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू, उसको किस में लेके जाना हमने, एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल वाली को रेडिकल में। मतलब जो स्क्वेयर रूट में है उसको स्क्वेयर रूट के बगैर कर दो, और जो स्क्वेयर रूट के बगैर उसको स्क्वेयर रूट में ले आओ। क्लियर है? ये स्क्वेयर रूट में है मतलब रेडिकल में है, इसे किस में लेके जाना है, एक्सपोनेंशियल में, मतलब पावर में हाली। ये -64 है, इसके ऊपर कौन सी कोई पावर है, तो 1 डाल दूं, ये हमेशा नीचे आ जाएगी। ये किस में चला गया, एक्सपोनेंशियल में, आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -4 की पावर क्या होगी, 64 आएगा, 3, ठीक है, -4 की पावर 1 मतलब -4 आपका आगे चली गई। अगले में आ जाए, ये किस में है, एक्सपोनेंशियल में। अब इशू थोड़ा ये उठ सकता है कि 1/3 तो इसका भी था, इसका भी था, एक स्टेप एहतियातन कर रहा हूं, इसे मैं ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 1/3 भी, 1/3 1 ही होगी, तो इसके 1/3 कह दूं, ठीक है, और ये 4/3 इंटू 1/3 कह दूं। क्लियर है? ये से कट गया 4 आ गया, ये से कट गया -1 आ गया, -1 इंटू 4 क्या होगा, ये मैंने एहतियातन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा है, क्या होगा, ताकि पावर साइन की भी होती है। इस पे आ रहे हैं, -1 × 7 लिख दूं, दोनों के ऊपर क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ये 7 जब इसके अंदर जाएगा तो 1 इसके ऊपर आ जाएगा, 3 और -1 की पावर समथिंग, वो -1 ही होगी, तो -√3 है, ये डन है, कोई इतराज है? अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, ये पहला क्वेश्चन था, उसके 2 पार्ट किए मैंने, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में ले गए, किसी को डाउट तो बोल दे। अब इस बाहर क्योंकि स्क्वेयर रूट के अंदर माइनस होना नहीं चाहिए, अलाउ ही नहीं है, रूल ही नहीं है, मैथमेटिकल एरर है, उसने दिया हुआ था, हम नहीं दे सकते, डन है? इस पर आ जाए, अब वो कहता है जी बताएं ट्रू है कि फॉल्स है, इसकी पावर बाहर 3 है, जो कि क्या बन जाएगी, 3 नीचे आ जाएगा, 3 9 आर, क्या दोनों बराबर हैं ये, तो ये क्या है, इस तरह सॉल्व के आंसर बताना आपने, इस तरह मैंने क्या कहा था, जो ऊपर होता है इधर आ जाता है, जो बाहर नीचे होता है वो, क्या ये दोनों सेम हो गए हैं, जहां कुछ ना वहां क्या होता है, स्क्वेयर रूट में रूट के ऊपर जहां कुछ ना वहां क्या आता है, ये 2 × 5 है बराबर है, फॉल्स, 49 क्या था, 7 का स्क्वेयर कट गया, 7 √7 होता है, फॉल्स। सॉल्व करना है, बजाहिर लग रहा होगा कि सही है, सॉल्व करना है, इस पे आ जाए, -1 अगेन जिस तरह मैंने निकाला वैसे ही बाहर निकाल दूं, नहीं निकालते, 2/3 क्या होगा, बाहर तशीफ नीचे ले आएगा, 3/3 क्या होगा, वो 3 नीचे आ जाएगा, डन है? इस पे आ जाए, -5/3 = 125, और ये बाहर वाला 3 तशीफ ले आएगा नीचे, तो -5/1 आ गया, समझ आएगी, चली गई। 2.3 का हर तरह क्वेश्चन कर दिया है। क्लियर है जी वली साहब? थैंक यू।